हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो गेम मैं खेलने जा रहा हूँ इंटू द डेड की, ये साइड स्टोरीज खेल रहा हूँ। एक मैंने मेन स्टोरी खेली थी कल और ये मैं साइड स्टोरी खेल रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर का नाम है अनटेम्ड। अनटेम्ड स्टोरी शुरू होती है, देखते हैं वो क्या है इसमें। अच्छा जी, ये अपनी बहन को रेडियो कर रहा है किसी तरह से आवाज़ आ जाए, मगर ये कि कोई आवाज़ आ नहीं रही। बहुत शोर हो रहा है जानवरों का, ये ज़ेब्रास वगैरह यहाँ पे आ गए हैं। ओ, ये ज़ेब्रा कुछ भागे, मुझसे टकराते हुए चले गए और मेरा रेडियो गिर गया। अच्छा जी, अनटेम्ड है। अनटेम्ड के टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में अभी खेल के दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, अभी आपको पता चलेगा। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने रेडियो उठा लिया, अब मैं ये रेडियो मेरा काम नहीं कर रहा, इसमें कुछ एरर हो गया, ख़राबी हो रही है, सही आवाज़ नहीं आ रही। हाँ भाई, ये स्टेज वन शुरू हो चुका है। 1000 फीट से ऊपर सफ़र करना है मुझे। 4 गोलियाँ हैं पिस्टल में, 2 गोलियाँ शॉटगन में, और जंगल का एरिया है ये। अभी तक कोई ऐसा ख़तरा महसूस नहीं हुआ, तमाम ज़ॉम्बीज दूर दूर हैं, मगर मैं रेडी हूँ। वो अच्छा, वो वेपन मुझे नज़र आया, एम्यूनेशन यहाँ से मिलता है, बच बचा के चल रहा हूँ मैं। अच्छा, कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं जो आप देखेंगे कि ना बहुत ज़्यादा करीब आते हैं आपके, भाग के आते हैं वो, तो उनको डॉज देना पड़ता है। थोड़ा आप लेफ़्ट की तरफ जाने लगें, जब वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएं तो फ़ौरन राइट टर्न कर जाएं, तो इससे वो वापस जल्दी नहीं टर्न करते। ये मेरी ट्रिक है, क्योंकि इस गेम में वेपन जो होते हैं आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो वेपन मिलता है वो अपग्रेड बहुत मुश्किल से होता है और आगे लेवल मुश्किल होते जा रहे हैं, तो उनके लिए आपको वेपन अच्छा होना चाहिए, बुलेट्स होनी चाहिए अच्छी, और वो एक ही सूरत में होता है कि आप लेवल पास करें तो पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप फिर अपग्रेड कर सकते हैं। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पैसे खर्च करें, और पैसे मैं खर्च करता नहीं हूँ गेम में। और ये मेरा पहला स्टेज बहुत आसानी से पास हो गया, और ये कोई ये स्टेज वन मेरा पार हो गया, और ये किसी सर्कस में मैं आ गया हूँ, और शेर की आवाज़ आई मुझे, शेर दहाड़ने की, और परिंदे उड़ गए, शेर की इतनी ज़ोर की आवाज़ थी। अच्छा जी, ये हो गया स्टेज टू, अब शुरू करते हैं। 2 वेपन मेरे फेवरेट, मैंने पसंद कर लिया। तीसरा वेपन मेरे पास एक छोटी सी मशीन गन है, मगर उसमें बुलेट्स जो होती हैं बहुत तेज़ी से खर्च होती हैं, और मुझे लगता है वो अभी इस स्टेज में ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ सर्कस के अंदर, और मुझे यहाँ पे अचानक से एक शेर मेरे सामने जंप मार के आ गया, और मैं इसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे पे हमला कर दिए। इजी कह रहा है ये बंदा, और ये पीछे ज़ॉम्बी खड़े हुए थे मेरे, और इसने उन ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, और मैं एक तरह से मेरी जान बचा ली उसने। और एक मसला है इसकी गर्दन में, ये लोहे का एक इसको बांधने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत बड़ी सी चीज़ बंधी हुई है, तो इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ ताकि ये मुझसे दोस्ती कर ले। है तो ये सर्कस का शेर, तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है, और ये भाग गया जैसे मैंने छोड़ा, और तेज़ी से निकल गया ये। चले भाई, एक मैंने एक जानवर की मदद कर दी, और ये मैंने वेपन अपना थोड़ा इसकी स्किन चेंज करके शुरू किया है गेम, और वेपन को थोड़ा सा मैंने अपग्रेड भी कर लिया है, और ये मैंने सारे ये थोड़े से एम्यूनेशन मिल गए मुझे। वेपन को अपग्रेड करने से फ़ायदा ये होता है कि बुलेट्स आपके काम की हो जाती हैं, बुलेट्स में जान आ जाती है, और आपका रिलोड टाइम कम हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपकी बुलेट्स कम हो गई, आप फायर करना चाह रहे हैं, मगर रिलोड की वजह से ज़ॉम्बीज आपके आप पे अटैक कर देते हैं और आप मारे जाते हैं। और ये देखा आपने कितनी तेज़ी से मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था ये, और मैं साइड से होकर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, ये टाइगर जनाब जो है मेरी मदद के लिए आ गए हैं, ये तो ज़बरदस्त हो गया। पहले एक जगह पे मेन स्टोरी में कुत्ता आ गया था, कुत्ता मेरी मदद कर रहा था, और ये साइड स्टोरी जो है इसमें मेरे साथ अब टाइगर आ गया है। कुछ ज़ॉम्बी जो होते हैं वो एक बुलेट से मरते भी नहीं हैं, जैसे ये वाला था। अच्छा, ये वेपन मिला मुझे, ठीक है भाई, ठीक है। 500 फीट रह गया है, 400 फीट रह गया, बुलेट्स मेरे पास कम होती जा रही हैं, मगर ये भी हैं। पिस्टल में 3 बुलेट्स, शॉर्ट गन में, और यहाँ पे मुझे एक और एम्यूनेशन मिल गया, और मेरा काम हो गया बड़ा आसानी। ओहो, यहाँ पे इतने सारे हैं,
देखा ये लोड शॉट गन लोड होने में बहुत टाइम लगता है, तो अचानक सामने से ज़ॉम्बी आ रहे हैं और आप गोलियां ही लोड करते रह जाते हैं। होशियारी से खेलना है। चले ये स्टेज टू भी बड़ी जल्दी से एंड होने वाला है और ये ख़त्म। अब देखते हैं क्या स्टोरी दिखाता है मुझे ये। Oh, where'd you come from? अच्छा ये परेशान हो रहा है, इससे पूछ रहा है। You're free now. What? What do you want? ये पूछ रहा है क्या चाहिए भाई तुम्हें, okay? कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है कुछ, तो तुम चले जाओ तुम। मगर ये टाइगर कुछ Go on. Move. टाइगर जो है आपके साथ रहना चाहता है। अच्छा जी, तो स्टेज थ्री शुरू करते हैं और ये स्टेज थ्री शुरू कर दिया मैंने। टाइगर नहीं गया, टाइगर मेरे साथ ही रहे। और यहाँ पे गेम शुरू होते ही बहुत सारे जॉम्बीज़ यहीं पे हैं। वेपन कम है, बुलेट्स कम हो रही हैं और 4-7 टोटल बुलेट्स रह गई हैं। किधर जाऊँ, काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है, धुंध छाई भी है, जंगल का एरिया है। ओ बचत। अच्छा ये आपसे टकराते हैं, आप किसी चीज़ से टकराते हैं तो आपको एक झटका लगता है और एक बुलेट रह गई शॉट गन की बस। और अब पिस्टल की में 3 बुलेट हैं बस और एक टाइगर है। टाइगर मेरे आगे रास्ता साफ करता चला जा रहा है, टाइगर के पीछे पीछे रहता हूँ मैं। और एक बुलेट, आखिरी बुलेट रह गई मेरे पास। अब मैं इसको बचा के रखता हूँ क्योंकि 600 फीट रह गया, 600 फीट बहुत फासला रह गया है। आ जाओ टाइगर, साथ आ जाओ टाइगर। इनसे बचने की पूरी कोशिश करूँगा, एक गोली जब तक ज़रूरत नहीं पड़े। वहाँ पे वेपन पड़ा हुआ है मगर मैं नहीं जा सका। अब मेरे पास कोई भी गन में बुलेट्स नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये बम रह गए हैं, ग्रेनेड रह गए हैं। मगर इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं है। ये तो बहुत दूर जाके गिर रहा है, सामने तो फिर सामने नहीं फटता। ये बाढ़ आ गई है, यहाँ पर वेपन मिले मुझे। ओह शुक्र, ये 14 बुलेट्स आ गई मेरे पास। और यहाँ पर मैं लाइन दूसरी तरफ हो गया है, मैं इधर आ गया हूँ। अरे ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, मैं फंस गया हूँ, रुक गया हूँ यहाँ पे। अरे अरे मुझे पीछे से आके सबने पकड़ लिया। और ये स्टेज थ्री पे मैं 71 फीट रह गए थे सिर्फ और मैं मारा गया। चले अब यहीं से शुरू करते हैं दोबारा से। कट कर दिया मैंने ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। और ये फिर मैं निकल गया बहुत आसानी से। अच्छा ये कटचिंग दोबारा शुरू हो गया, अपनी बहन से पूछ रहा है मगर ये कोई आवाज़ नहीं आ रही। रेडियो में से बहुत शोर हो रहा है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है। और ये टाइगर को भी गुस्सा आ गया और टाइगर गुस्सा कर रहा है कि इस रेडियो को बंद करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम। तो मैंने रेडियो ऑफ कर दिया। अच्छा जी ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 4 शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खेलते हैं, टाइम नहीं है। 12 स्टेजेस हैं टोटल, 4 हो गए हैं। टाइगर जो है मेरे साथ है, गेम में सबसे अच्छी बात ये है। और स्टेज आखिरी एंड करके देखते हैं होता क्या है, स्टोरी कहाँ पे, स्टोरी में एंड क्या है वो जानना चाहता हूँ मैं। खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, छोटे छोटे स्टेजेस हैं, 1 मिनट 2 मिनट में एक स्टेज क्लियर हो जाता है, फिर 1 मिनट की स्टोरी होती है मैं आखिर में। और यहाँ पे कुछ वेपन मिले मुझे और बच बचा के निकल रहा हूँ मैं। अच्छा जी ठीक, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, गाड़ी पे कौन है, कोई है क्या? अरे भैया ओह मेरी मदद के लिए टाइगर आ गया, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं पकड़ा जाऊँगा तो ये मुझे बचा मिलेगा। अच्छा यहाँ पे मुझे और वेपन मिल गए, बुलेट्स मिल गए। आगे जा रहा हूँ मैं, 380 फीट, 350 फीट रह गया है। बुलेट मेरे पास शॉट गन की 7 है, पिस्टल में 1 है। टॉर्च देना पड़ता है इनको, ज़रूरी नहीं आप सबको मारें क्योंकि बुलेट्स इतनी होती नहीं है कि आप सबसे लड़ें। ज़्यादातर आपको होशियारी से डॉज दे के निकल जाना होता है। गाड़ी का हॉर्न बज रहा है बहुत ज़ोर से, कौन फंस गया बेचारा कुछ मालूम नहीं, 100 फीट से कम रह गया है। और ये सामने मैदान है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अब कोई और नहीं आएगा ज़ॉम्बी। और मैं आसानी से पहुँच गया यहाँ पे। मेरी गन चेक करें आप, बहुत अच्छी स्किन लगाई है मैंने खूबसूरत सी। अच्छा भाई टाइगर किधर चला गया, रेडियो में ऑन करने की कोशिश करता हूँ शायद। भैया अचानक ही आ गया, इसको पसंद ही नहीं है। I don't want you here, understand? चले ये नाराज हो गया टाइगर से, ये कह रहा है भाई तुम चले जाओ, चले जाओ भाई यहाँ से, रेडियो भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। मगर ये भी थोड़ा नाराज तो हो रहा है, मगर जान नहीं छोड़ा मेरी।
अच्छा जी, हो गया है, नेक्स्ट लेवल शुरू करते हैं। और रेडियो नहीं चल रहा है और टाइगर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और टाइगर जो है कुछ मुझे दिखाना चाह रहा है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे इसकी शेरनी की तस्वीर है और ये इसको अपनी शेरनी की तलाश है। ये इसलिए साथ साथ चल रहा है कि ना, ये चाह रहा है कि इसकी शेरनी को ढूंढा जाए। मैं अपनी बेटी और बहन के पास जाना चाह रहा हूँ और ये अपनी शेरनी के पास। अच्छा जी, ये जंगल में, अच्छा जी, बहुत रश हो रहा है यहाँ पे, तो ज़ॉम्बीज भर भर के आए हुए हैं। लगता है यहाँ पे किसी की शादी है ज़ॉम्बीज में, बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पे। वेपन चाहिए मुझे, ये मिला मुझे एम्यूनेशन, 17 बुलेट्स हो गई, बहुत है। शॉट गन की 2 हैं तो मैं शॉट गन मैंने निकाल लिया है। अच्छा, ये सुरंग आ गई है। अच्छा, मैं ज़्यादा लेफ्ट राइट भी नहीं हो सकता हूँ, एक बुलेट है सिर्फ शॉट गन में। आगे देखते हैं क्या सीन है। ओह हो, बहुत करीब करीब, ये तो शॉट गन चाहिए यहाँ पे, शॉट गन की बुलेट चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैं ये, करीब करीब आने उनको मैं डॉज देने के लिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर भी नहीं हो सकता, बहुत तेज़ी से ये लोग आ रहे हैं और गन लोड होने में भी टाइम लेता है। ओ ओ भाई, ओ बचा, ओ बचा, ओह ज़बरदस्त, एक ज़ॉम्बी से बचाया मुझे, क्योंकि यहाँ मैं गन लोड कर रहा था। बुलेट्स तो थी मगर ये कि बहुत गन लोड होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी आप अटैक कर देते हैं। 500 फीट अभी भी रह गया यार, सुरंग से निकलना है मुझे, बहुत अच्छा हुआ ये। मगर ये निकलते ही दूसरी सुरंग आ गई, टनल आ गया ये, और ये मुझे पकड़ लेंगे, ये तो बचना मुश्किल हो गया यहाँ। ओह, एक आखिरी बुलेट, क्या करूँ मैं, तीन बुलेट, एक बुलेट, यहाँ शॉटगन नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। ओह, 80-90 फिट रह गया है, 3 बुलेट यहाँ पे मैंने दस्ती बम भी फेंक दिया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से ये स्टेज निकल पाया। सांस फूल गई मेरी और तेज़ी से सांस ले रहा हूँ मैं, और टाइगर बुला रहा है कि चलो जल्दी और टाइम ज़ाया नहीं करो, और ये जेम्स बोल रहा है कि ना थोड़ा टाइम दो मुझे, सांस फूल गई है। अच्छा जी, फायर अलर्ट, यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है शायद, आगे देखें, ये लाल रोशनी हो रही है। अच्छा, ये बिजली भी चमक रही है, बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, बिजली चमक रही है। और नेक्स्ट स्टेज शुरू करते हैं, स्टेज 6, आधा अनटेम के आधा मैं तकरीबन कर लिया है, 12 स्टेजेस हैं इसकी, 6 स्टेज मैंने कर लिया है, कर रहा हूँ बल्कि। और अब देखते हैं, गेम शुरू हुआ है 4 बुलेट से और 2 शॉट गन की बुलेट से मेरे पास। और ये एक ब्रिज का एरिया आ गया है, यहाँ पर भी मुश्किल होगी मुझे क्योंकि आप लेफ्ट राइट दूर नहीं जा सकते हैं इनको डॉज देने के लिए। और ये बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं, ये सो रहे होते हैं लगता है ज़मीन पे पड़े हुए, मुझे देख के उड़ जाते हैं। और ये टाइगर मुझे कब तक बचाएगा, और मुझे बुलेट्स मिल गई, शॉटगन बहुत काम की, मगर एक मसला है कि ये लोड होने में बहुत टाइम ले लेती है क्योंकि 2 बुलेट लगती हैं इसमें, हर दो बुलेट के बाद ये लोड कर रहा है। ओह नो, ये तो बच गया मैं, बहुत सारे यहाँ पे, चले पिस्टल से काम चलाते हैं, शॉटगन की बुलेट्स खत्म हो गई मेरे पास। और ये मुझे चेनसॉ मिल गया, वाह भैया चेनसॉ, अबे बचा बचा। और 372 फीट रह गया था और इस बार मैं चेनसॉ सही से इस्तेमाल नहीं कर सका और मारा गया स्टेज 6 पे, और मेरी आंतें वाते निकाल के सब खा गए ये। दोबारा शुरू करते हैं यहीं से चेनसॉ से, स्टेज 6, और मेरे पास चेनसॉ कहाँ गई, मैंने उठाई तो, मगर ये कि समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, अभी बुलेट्स हैं नहीं, बुलेट्स, अच्छा पिस्टल की रह गई, अरे चेनसॉ आ गई, ये अब मैं चलाता रहूँगा इसको, बटन दबा के रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। अबे चला चला भैया, चला चला, बहुत सारों को मैंने चेनसॉ से कुछ मार डाला। 30 फिट रह गया है, गेम एंड होने वाला है, स्टेज 6 निकल गया मेरा। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एक ट्रेन नज़र आ रही है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट 6 स्टेजेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कल डालता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।